Welcome students, I am Shamini Datta, Assistant Professor of Jamini Khan B.Ed. College. जैसे कि पिछले क्लास में अवनद्य वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा की हूँ, जिसमें तबला, ढोलक, पखावज के बारे में मैं बता चुकी हूँ. आज मैं अवनद्य वाद्य यंत्र के झारखंड के लोकप्रिय वाद्य यंत्र नगाड़ा और मांदर, ये दोनों के बारे में चर्चा करूँगी. सबसे पहले झारखंड के वाद्य यंत्र के बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए, झारखंड का वाद्य यंत्र अवनद्य वाद्य मुख्यतः चमड़े के वाद्य हैं. झारखंड में चमड़ा निर्मित वाद्यों की संख्या सबसे अधिक है. उनको ताल वाद्य भी कहा जाता है. उनमें मांदल या मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, कारहा, तासा, झुरी नागरा, ढप, चांगू, खजड़ी, डमरू, विषम ढाकी आदि आते हैं. उनमें मांदर, ढोल, ढाक, डमरू, विषम ढाकी आदि मुख्य ताल वाद्य हैं. धमसा, कारहा, तासा, झुरी नागरा आदि गौण ताल वाद्य हैं. वे सभी वाद्य नृत्य के साथ बजाए जाते हैं. इतने सारे जो वाद्य यंत्र हैं उनका संबंध झारखंड के वाद्य यंत्र से है, जिसमें से नगाड़ा, मांदर, धमसा आदि प्रसिद्ध हैं. अब आते हैं नगाड़ा वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा करें. नगाड़ा या नक्काड़ा प्राचीन समय से ही प्रमुख वाद्य यंत्र रहा है. इसे लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है. होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका विशेष प्रयोग होता है. नगाड़े में जोड़े अलग अलग होते हैं, जिसमें एक की आवाज़ पतली तथा दूसरे की आवाज़ मोटी होती है. इसे बजाने के लिए लकड़ी की डंडियों से पीट कर ध्वनि निकाली जाती है. निचली सतह पर नगाड़ा पकी हुई मिट्टी का बना होता है. यह भारत का बहुत ही लोकप्रिय वाद्य है. यानी नगाड़े के दो जोड़ी होते हैं. एक में एक की आवाज़ थोड़ी सी पतली होती है, दूसरी की आवाज़ मोटी होती है. जैसे ये दो जोड़ी नगाड़ा का है, ये लकड़ी के डंडे के सहयोग से इसे बजाया जाता है. इस एक पतली और एक चौड़ी होती है, यानी मोटी होती है. रामलीला, नौटंकी तथा ख्याल लोक नाट्यों के द्वारा यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है. इस वाद्य यंत्र का निर्माण भैंसे की खाल से किया जाता है. नगाड़ा ज़्यादातर रामलीला में बजाया जाता है और इस वाद्य यंत्र का निर्माण भैंस की खाल से होता है. अब नगाड़ा के वादक रामकिशन सोलंकी नगाड़े के जादूगर कहलाते हैं. नर और मादा दोनों को जोड़े के रूप में बजाया जाता है. यानी दो नगाड़ा होता है, एक नर और एक मादा, दोनों को एक साथ लेकर ही बजाया जाता है. अब आते हैं झारखंड के द्वितीय वाद्य यंत्र मांदर. मांदर की परिभाषा क्या है? ये मांदर है लाइक ढोल के जैसा लगता है. ये चमड़े से बना हुआ रहता है. ये लकड़ी का होता है. मांदर झारखंड का प्राचीन और अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है. इसे यहाँ लगभग सभी समुदाय के लोग बजाते हैं. यह पार्श्वमुखी वाद्य है. लाल मिट्टी के बने मांदर का गोलाकार ढांचा अंदर से खोखला होता है. इसके दोनों तरफ के खुले मुंह बकरे के खाल से ढके रहते हैं. ढांचा के ऊपर गोलाकार बद्धी यानी चमड़े की रस्सी हाफ कसी रहती है. मुंह की खालों को कसने के लिए चमड़े की बेनी का इस्तेमाल किया जाता है. मांदर का दाहिना मुंह छोटा और बायां मुंह चौड़ा होता है. छोटे मुंह वाली खाल पर खास तरह का लेप लगाया जाता है और उसे किरण कहते हैं. उसकी वजह से मांदर की आवाज़ गूंजदार होती है. नाच के वक्त उसे बजाने जाने वाले भी घूमता थिरकता है. इसके लिए वह रस्सी के सहारे मांदर को कंधे से लटका लेता है. यानी ये जो चौड़ा हिस्सा है ये बकरे के खाल से बनता है. ये छोटी से जिसे किरण कहते हैं, इससे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है.
इसलिए यह कहा गया है कि बाया मुंह चौड़ा होता है और छोटा मुंह वाला खाल लेप लगाया जाता है जिसे किरण कहते हैं। अतः आज हम झारखंड के लोक वाद्य जो है वाद्य यंत्र मांदर और नगाड़ा उसके बारे में जानकारी लिए। थैंक यू सो मच।